नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रंजीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जीवन बूटी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा को आप कैसे प्रयोग करें और कैसे ना करें, क्या आयुर्वेद दवा के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसकी मात्रा अधिक होगी या अति मात्रा होगी तो उसका नुकसान ज़रूर है। इसलिए कभी भी भूलकर यह मत सोचे कि आयुर्वेद की दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद की दवा का भी साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों, आयुर्वेद की दवा का साइड इफेक्ट किस तरह है, ये आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं, बाज़ार से अपनी मर्ज़ी से कोई भी आयुर्वेद की दवाई खरीद कर उसे खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ रस भस्म हैं, जैसे रस औषधियाँ हैं, भस्म हैं, स्वर्ण भस्म, गंधक भस्म। इनके हम जितनी मात्रा हमें शास्त्रों में बताई गई है उसके अनुसार ही हम इसका सेवन करें, और यह हमें आयुर्वेद डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप इनका सेवन अपनी मर्जी से करेंगे या इनकी मात्रा अधिक लेंगे तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। मान लो आप गंधक रसायन का सेवन कर रहे हैं जिसकी मात्रा आयुर्वेद में 125 mg कही गई है, अधिकतम मात्रा, अडल्ट डोज है ये। अगर आप इस मात्रा से ज़्यादा गलती से अपनी मर्जी से खा लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। ये आपके पेट को ख़राब कर सकती है, इससे आपको डायरिया हो सकता है, इससे आपको वोमिटिंग हो सकती है, और तो और इससे स्किन इन्फेक्शन तक हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी दवाई लेने से पहले एक बार आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लिए, और उसके बाद ही कोई भी दवाई सेवन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हम YouTube पर वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के वीडियो में जो भी बताया वहाँ पे कोई आयुर्वेद डॉक्टर भी नहीं है, ऐसे ही किसी कहीं से पढ़ा कुछ पढ़ा उनकी बातें मानकर हमने ये सब कर लेते हैं। दोस्तों, मैं एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल सही दूंगा। इसलिए आप मेरी जो भी मैं बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुने, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और लोगों को भी ये जानकारी ज़रूर दें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमें YouTube पे मिलता है कि ये एक दिन में ये करने से वो हो जाएगा, 2 दिन में करने से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो नियम के तहत या जो उसका प्रोसीजर है उसके तहत ही होता है। इसलिए आपको मैं एक सलाह देता हूँ, कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एक बार अपने आयुर्वेद डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से ना लें और अपनी मर्ज़ी से ना छोड़ें। इसी तरह की जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहूँगा, और इस तरह की वीडियो बहुत मतलब आती रहेंगी। ये काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और अब से ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो रहेगी। जो भी टॉपिक आपको पसंद हो, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, उस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और सभी जानकारी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।